तो गाइस जब आप गेम लूटर के ऊपर गेम खेल रहे हो तो क्या आपकी गेम भी बहुत ज्यादा लैग होती है? जब आप कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी या फ्री फायर टाइप कोई गेम खेल रहे हो तो गेम लूप पे तो उसमें बहुत ज्यादा एफपीएस ड्रॉप होता है, आपकी गेम बहुत ज्यादा लैग होती है। तो यस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि गेम लूप इमुलेटर का लैग फिक्स, गेम लूप इमुलेटर का लैग कैसे फिक्स करते हैं। तो लेट्स गो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर पबजी मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ गेम लूप इमुलेटर लैग फिक्स के बारे में। मतलब गेम लूप का जो इमुलेटर है उसके ऊपर जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, फ्री फायर या कोई भी गेम, तो बहुत ज़्यादा लैग होती है। तो अगर उसके बारे में बात करने वाले हैं तो यहाँ पर मैं पबजी इमुलेटर खोल दूँगा। गेम लूप यहाँ पे तुम राइट साइड के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे 3 बार्स आ रही है, इस पर टैप करके यहाँ से इमुलेटर की सेटिंग्स खोलते हैं। तो सबसे पहले तो यार तुम लोगों ने कंफर्म करना है कि तुम्हारा जो इमुलेटर जो तुम यूज़ कर रहे हो वो लेटेस्ट वर्जन हो, गेम लूप 7.1। तो ये गेम लूप 7.1 मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाला इमुलेटर होना चाहिए। अगर बेसिक के अंदर तुमने किसी चीज़ को नहीं खेलना, उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे इंजन में आए तो इंजन के अंदर मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को रखा है डायरेक्ट एक्स। मैंने इस वजह से रखा है कि अगर विंडो आर पे जाके DXDAEG टाइप करते हैं तो डायरेक्ट एक्स प्लस का मतलब है DirectX 11, डायरेक्ट एक्स का मतलब है DirectX 10 और प्लस का मतलब है 11। तो देख सकते हो मेरे यहाँ पर डायरेक्ट एक्स वर्जन 12 आ रहा है, तो मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो डायरेक्ट एक्स वर्जन 12 के साथ सपोर्टेड है, इसलिए मैं डायरेक्ट एक्स 11 के ऊपर गेम खेल सकता हूँ। तुमने देखना है अगर तुम्हारी यहाँ पर डायरेक्ट एक्स 12 या डायरेक्ट एक्स 11 लिखा हो तो तुम यहाँ पर डायरेक्ट एक्स के ऊपर क्लिक करोगे, अगर ना लिखा हो तो यार ओपन जीएल या ऑटो के ऊपर जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर डायरेक्ट एक्स 11 या 12 लिखा हुआ है तो तुम्हारे लिए सेंट्रल ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद इनेबल रेंडरिंग कैश, फोर्स ग्लोबल कैश, प्रायोरिटाइज डिससेक्रेट ग्राफिक कार्ड और इनेबल रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये 4 ऑप्शन क्लिक बांध के आती है। वर्टिकल सिंक, तो यस वर्टिकल सिंक भी टेक करना है, इसमें होगा FPS काफी हद तक कॉन्स्टेंट आए थे अगर तुम इसको टेक कर दो। बाकी अगर डिटेल समझ नहीं तो एक और वीडियो है, आई बटन पे वो जाके देख लेना। उसके बाद अल्ट्रा एलाइजिंग को तुम लोगों ने रखना है अल्ट्रा पर अगर तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। अगर तुम विदाउट ग्राफिक कार्ड खेल रहे हो, मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास सिर्फ ऑन बोर्ड ग्राफिक कार्ड है, तुमने कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड मतलब AMD या NVIDIA कोई ग्राफिक कार्ड यूज ही नहीं कर रहे, मतलब जो PC का मदरबोर्ड का कार्ड होता है वो यूज़ कर रहे हो, तो तुमने इसको रखना है बैलेंस के ऊपर। लेकिन अगर तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हुआ है तो एंटी एलाइजिंग को अल्ट्रा पर रखना है, क्योंकि मेरे पास ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड है तो यस इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अगली बात आती है मेमोरी, तो मेमोरी मैंने रखी है 8192 MB, तो मैंने इस वजह से रखी है कि अगर मैं यहाँ पर टैक्स मैनेजर के अंदर आऊँ तो यहाँ पर आना परफॉर्मेंस में, यहाँ पर देख सकते हो मेमोरी 8GB, तो 8GB है मेरी, इसलिए मैंने यहाँ पर रखी है 8192 MB। ठीक है, तुम्हें सिंपल सा काम कर लेना है कि जितनी GB हो 1024 का मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा और जो भी आंसर आएगा उसकी कोई ना कोई ऑप्शन इधर वो भी है। अगर 4096 आएगा तो वो भी है, 2048 आएगा तो वो भी है, रैम जो मैक्सिमम रखती है। उसके बाद आते हैं प्रोसेसर मैंने रखे हुए 4, इसको ये डिफॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ऑटोमेटिक ना करना गेम बहुत लैगी चलती है। परफॉर्मेंस के अंदर आके प्रोसेसर को यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा हुआ कोर्स, तो मेरे कोर है 4, तो जितने तुम्हारे इधर कोर का नंबर हो, मतलब जितने कोर्स हो, मतलब 1 है तो भाई 1 के ऊपर नहीं चल पाएगी, तो मिनिमम ऐसा भी चाहिए जिसमें 2 कोर्स हों। और अगर प्रॉपर खेलनी है, मतलब तुम चाहते हो कि FPS ड्रॉप भी ना हो, तो उसके लिए 4 कोर ही रिकमेंड करूँगा मैं। तो खैर मैक्सिमम जितनी होगा, तुम्हारे 8 हो तो 8 रख लेना, मेरे यहाँ पे 8 की ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास 4 कोर्स है इसी में 4 रखा हुआ है। अगर तुम्हारे 2 है तो 2 कर लो, 1 है तो 1 कर लो। फिर आती है स्क्रीन रेजोल्यूशन, तो यार रेजोल्यूशन जो है तुम लोगों ने लैग फिक्स करने के लिए, अगर तुम्हारी गेम बहुत ज़्यादा लैग दे रही है ना, तो जितनी कम रेजोल्यूशन हो सकती है रखो। तो मेरी खैर इस रेजोल्यूशन के ऊपर लैग नहीं देती, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड है। मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि कम से कम रेजोल्यूशन पे खेलो, तुम्हारी गेम काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, लैग कम हो जाएगा। फिर आते हैं स्क्रीन DPI, तो यार DPI जितने ज़्यादा होंगे प्रोसेसर पर उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा और गेम को उतना ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा प्रोसेसर को, और गेम उतनी ज़्यादा शॉपी बनेगी और उतनी ज़्यादा लैगी बनेगी। तो DPI मिनिमम रखो 120। उसके बाद आते हैं डिवाइस मॉडल में, तो यार डिवाइस मॉडल तुमने कॉमन मॉडल रखना है यहाँ पर, और ROG 2, ये ROG 2 स्मॉट एक जो है कुछ गेम्स के अंदर 90 FPS की ऑप्शन दे देगा, और ROG 2 इज़ द बेस्ट ऑप्शन इनमें से, तो यस इसलिए कॉमन मॉडल दे रही है। फिर आते हैं गेम के अंदर, फिर जो से तुम गेम खेल रहे हो उसके बारे में तुम कौन सी सेटिंग रखना चाहते हो, तो उसमें यही मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम 720 पे खेलो अगर तुम्हारी गेम बहुत लैग हो रही है। तो अगर नॉर्मल सी लैग है तो वो बस ये इंजन की सेटिंग चेंज करने से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी लैग खत्म नहीं हो रहा तो 720 पर आ जाओ और इसको स्मूथ कर लो। FPS तुमने 90 ही रखने हैं, 90 तब रखने हैं जब तुम्हारे पास 60Hz से ज़्यादा का मॉनिटर है। अगर तुम्हारे पास 60Hz का ही मॉनिटर है, अगर तुम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आओ ना अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स, तो डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो रिफ्रेश रेट, मेरा रिफ्रेश रेट 75Hz है जो कि 60 से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 90 की ऑप्शन को टिक किया है। तुम्हारे यहाँ पर अगर 60 हो तो तुमने 60 को रखना है, अगर 60 थोड़ा सा भी ज़्यादा हो, मतलब 75, 85, 144, 60 से ज़्यादा हो तो 90, 60 हो तो 60 ही रखना है। ठीक है, ये FPS को।
उसके अलावा ग्राफिक्स यार इस ग्राफिक्स को चेंज करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस ये मतलब बैलेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्मूथ और HD में फर्क पड़ता है। मतलब गेम के ग्राफिक्स में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना मतलब गेम की स्पीड और स्मूथनेस में बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरी कोई लैग नहीं हो रही, लेकिन अगर तुम्हारी ज्यादा लैग होती है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो भाई स्मूथ और 720 पे खेलो, लेकिन अगर ग्राफिक कार्ड लगवाया हुआ है तो भाई 1080 और HD पे खेल सकते हो, 1080 और स्मूथ पे भी खेल सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स है, ठीक है। बाकी तुम्हारे पास अगर ज्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड है तो भाई 1080 और HD के ऊपर आ जाओ। तो खैर ये बेसिक सी सेटिंग है, आई होप तुम ये सेटिंग्स अप्लाई करोगे तो तुम्हारी गेम बिल्कुल भी लैग नहीं होगी। तो बस यार वीडियो करते हैं खत्म। तो खैर वीडियो खत्म होने से पहले यार एक चीज मैं बता दूं, तुम भी वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हो, तो यस नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तुम्हें भी शाउट आउट मिल जाए। तो खैर शाउट आउट टू हरीश प्लेस, वन ऑफ द माय लॉयल सब्सक्राइबर्स, मतलब ये ब्रो काफी देर से मुझे सब्सक्राइब कर रहा है। तो खैर यार थैंक यू हरीश ब्रो यार, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो बाकी यार इंशाल्लाह मजीद इस तरह की वीडियो बताता रहूंगा, मजीद कोई चीज समझ नहीं तो यार कमेंट में बताओ, फील फ्री टू कमेंट। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो, इट्स फ्री टू सब्सक्राइब, और अगर तुम बाद में चाहो तो अनसब्सक्राइब भी कर दो, कोई मसला नहीं होता। तो फिर वीडियो करो सब्सक्राइब, सॉरी वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।